Okay, so hey guys, my name is Sami. Here you are in a new vlog. Okay, so आज हमें जाना है सरीपाया की तरफ. So सरीपाया दोनों ही एक माउंटेन है एंड हमें जाना है पाया टॉप पे. एंड पाया टॉप से जो व्यू आता है ना, so जल्दी से निकलते हैं. बाय द वे हमारा आज का स्टे भी इधर है. सो इतनी शांति है ना इधर कि मैं आपको बता नहीं सकता. मींस बिल्कुल शांत है, ठंडी फिजा है एंड बहुत ही पुरसकून माहौल है. सो कल के व्लॉग में आपको नारान नजर आएगा. मैं नॉर्दर्न साइड पे फर्स्ट टाइम आया हूँ एंड जो फर्स्ट टाइम वाला एक्सपीरियंस है वो आपको इन व्लॉग्स में नजर आएगा. बाय द वे उधर 30 मिनट का ट्रैक भी है एंड मैं खुद बहुत एक्साइटेड उधर जाने के लिए. सो चलो जल्दी से चलते हैं. अभी नाश्ता वगैरह कर लिया है एंड नीचे जीप भी आ गई है. सो चलो चलते हैं. जीप का सफर जो है वो मेरे लिए बहुत मेमोरेबल रहेगा. क्यों वो आप खुद ही देखें. हम पाया पहुंच गए हैं. नहीं नहीं भाई, हम पाया टॉप पे पहुंच गए हैं. सो मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं, आप व्यू चेक करो. बाय द वे यहां से शोग्रा भी नजर आता है. शोग्रा वो जगह है जिधर हमने स्टे किया है. वो नीचे शोग्रा है बट ऐसे व्यू लेने का मजा नहीं आएगा. तो आप लोग ड्रोन शॉट्स देखो. यार बहुत ही कमाल की जगह है ये. सो पाया का व्यू रियल में जितना हैवी है उतना कैमरे में नहीं आएगा. इधर थोड़ा सा सिटिंग एरिया भी है, मैं आपको वो भी दिखाता हूँ. सो बार बार ये व्यू देखने का दिल कर रहा है. व्हाट अ व्यू यार. सो पाया टॉप की वाइब्स तो बहुत ही कमाल हैं. सो अभी हमारा प्लान बन रहा है मूव करें मकड़ा की तरफ. सो चलो देखते हैं. तो मकड़ा भी एक माउंटेन है एंड हमें उसकी बेस तक जाना है. सो वाइब्स चेक करो यार. सो इट्स टाइम टू लीव फ्रॉम पाया. सो अभी मकड़ा तक का सफर हमारा हॉर्स पे होगा. तो 20 to 30 मिनट का ट्रैक हमने पैदल करना था वो अब घोड़ों पे करेंगे. मीन्स ये राइड भी एक्सपीरियंस कर ली, बहुत औसम है. इस सफर में डर भी लग रहा है और मजा भी आ रहा है, दोनों चीजें मिक्स हैं. सो दिस इज द मोमेंट दैट वी एंजॉय. सो अभी मकड़ा हिल और ज्यादा नजर आना शुरू हो गई बट अभी भी 5 से 10 मिनट लग जाएंगे. ओके सो अभी मेरे बिल्कुल पीछे जो है वो शहरी भाई हैं. जैसा कि आप सब लोग देख रहे हैं थोड़े पर जो है आगे का सफर तय हो रहा है. ये बहुत बहुत ज्यादा मजेदार है, प्रॉपर एडवेंचर है. तो गाइज आप सब लोग देख सकते हैं ग्रीनरी पहाड़ों पर इस कदर ग्रीनरी. ये समर सीजन चल रहा है मई में. बेस्ट विंड एवर, बहुत ताज़ा और ठंडी हवा है यहाँ. और ये नज़ारे आप सब लोग देख सकते हैं, बड़े बड़े जहाँ तक नज़र जा रही पहाड़ी पहाड़ है. सो अभी चलते हैं मकड़ा हिल पे एंड उधर जाके मिलते हैं आपसे. तो बस अब अराइव होने वाली है. मीन्स इस ट्रैक पे तो यार मुझे भी डर लग रहा है. तो अभी इधर हमें ड्रॉप किया उसने एंड बर्फ थोड़ी बहुत नज़र आने शुरू हो गई है. सो अभी का जो ट्रैक है वो हमें पैदल जाना है. सो चलो चलते हैं. सो जो मेरा एक्सपीरियंस अगर मैं आपको वो बताऊँ तो बहुत ही कमाल का व्यू है एंड बहुत मज़ा आ रहा है. तो अभी चलते हैं ऊपर एंड देखते हैं.
सो ट्रैक करने में तो बहुत मज़ा आ रहा है, बट ये जो कैमरा मैंने हाथ में पकड़ा है एंड ये जो बैग पहना हुआ है ना भारा सा, इसकी वजह से मसला हो रहा है। बट फिर भी टॉप तक जाके रहेंगे। सो इधर से आप व्यू चेक करो। बट हम अभी तक नहीं पहुँचे, सो चलो चलते रहते हैं एंड पहुँचते हैं। बाय द वे अब मैं उधर पहुँच के आपको मिलूंगा। सो फाइनली वी रीच्ड हियर। सो आपको पता है मैं इतने ऊपर क्यों आया हूँ? सिर्फ ड्रोन के शॉट के लिए। सो अभी यहाँ माउंटेन पे, तो माउंटेन ड्यू का शशका तो बनता है ना। सो अभी बहुत व्यू ले लिया, तो चलो चलते हैं वापस। तो ये रही हमारी फ्रिज एंड अभी ये इतने ठंडे हो गए हैं ना, मैं आपको बता नहीं सकता। सो अभी ट्रैक भी हो गया है एंड पकड़ा हिल भी देख लिया है। सो अभी टाइम है वापसी का, सो चलो चलते हैं। सो अभी हम आए हैं शुभ्रांग की एक मार्केट में। छोटी सी मार्केट है लेकिन बहुत ही ब्यूटीफुल है, देखते हैं ये मार्केट। एंड मैं एक और चीज़ क्लियर कर दूं कि मकड़ा हिल की हम टॉप पे नहीं थे गए, बस बेस तक गए थे एंड हमारा प्लान भी यही था कि बेस तक जाएंगे। सो लाहौर हर कहीं फेमस है यार। सो अभी आपने मार्केट देख ली, सो अभी चलते हैं वापस होटल की तरफ। सो जी ये हमारे होटल का व्यू है रात के टाइम। सो दिस इज इट फॉर टुडे, स्टे ऑसम, अल्लाह हाफिज़।